अच्छा किसी को बेटा ना हो आज के युग में जमाने में, तो उसे ज्यादा परेशान कौन करता है। इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों को राधे राधे और महाराज जी के चरणों में जय श्रीमन नारायण। जितने भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सभी भक्त इस कथा को पूरी तरह से देखें और ये समझ आ जाएगी कि समाज में किस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं और किन के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, प्रभु उसे किस तरीके से दंड देते हैं और उसका परिणाम क्या होता है। तो आइए इस कथा को सुनिए और बहुत आनंद आने वाला है इस कथा में। तो आइए महाराज जी को सुनते हैं। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। कौन? किसी स्त्री को आज बेटा ना हो तो उसको परेशान करने वाले कौन होते हैं? सबसे पहले तो उसके अपने घर वाले, फिर बच्चे खुचे रिश्तेदार, फिर पड़ोसी। एक पड़ोसन थी, अरे तुम्हारी बहू के बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। हाँ तो तुम्हारी बहू के तो चार चार बेटे हैं, तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? बेटे हैं, अरे उसके नहीं है, उसके भाग्य में नहीं है, बात खत्म। क्यों उसके पीछे पड़ी हो? और देखो किसी को देखकर हंसना मत। आप किसी लंगड़े को देख के हंस दीजिए, देख लेना आप लंगड़े ना हो जाओ तो कह देना। हंसो तो जरा, ईश्वर सब कुछ नोट करता है। किसी को देखकर हंसना मत, हंस दोगे समय ना लगेगा। ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जरा लंगड़े को देखकर तुम हंसो, तुम भी लंगड़े ना बन जाओगे तो कह देना। देर सवेर कितनी लगे वो ईश्वर का विधान है। किसी अंधे को देखकर हंस दो जरा, देखो फिर क्या होता है। तुम्हारी दोनों ना चली जाए तो कह देना आंखें। किसी स्त्री के पुत्र नहीं है और तुमने हंस दिया, अरे इसके तो बेटा नहीं है, बड़ा मजाक उड़ा दिया उसका समारा जमाने में, और खूब उसका हंसी कर दी, अरे बेटा नहीं हमारे तो बेटा। हाँ भगवान बोले, अच्छा रुक, तेरी भी बेटा नहीं होगा, तेरी बहू के बेटा नहीं, तेरे वंश में तू हंस रही है ना किसी को देखकर, ईश्वर कहेंगे तू बहुत हंस रही है, तेरा भी वंश हम स्टॉप करते हैं। इसलिए संभल कर बैठना, जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों, है ना। किसी के घर में आग लगे तो पानी डालो, मजाक ना उड़ाओ। हमें लगता है क्या होगा, बहुत कुछ होता है। किसी के बेटा नहीं है, भगवान कर उसके बेटा हो जाए, पर आप क्यों उसके जले में नमक डाल रहे हैं? एक तो वो दुखी है, डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया अब तू माँ नहीं बन पाएगी। किसी स्त्री से कह दिया जाए कि तू माँ नहीं बन पाएगी, आप जानते हो उस स्त्री के दिल में क्या गुजरती है? आप समझ में नहीं पाएंगे कि उसके दिल में कितना बड़ा धक्का लगा जब कोई डॉक्टर ये कह दे कि अब तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। फिर उसका एक भी बेटा नहीं है, बेटी नहीं, और कह दिया जाए कि माँ नहीं बनोगी, वह तो जीते जी मुर्दा हो जाती है। हमें क्या चाहिए, हम उसे समझाएं, हम उसका हौसला बुलंद करें? ये थोड़ी कि अब उसको ताने मार मार के मार डालें, यही तुम्हारी इंसानियत है, यही आपका हमारा परिचय है ना। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेटा क्यों नहीं होता। किसी के बेटा है, किसी के बेटा नहीं है, जिसके पुत्र नहीं होता तो क्यों नहीं होता, उसका भी कारण है। डॉक्टर कहता है कि शुक्राणु की कमी है, इसकी कमी, वो अलग मैटर है कि पुरुष में कमी है या स्त्री में कमी है। मैं आध्यात्म वैसे बताऊंगा कि बेटा क्यों नहीं है। ये तो बहाने हैं कि रिपोर्ट में ये आया है, इसमें ये आया, इसमें स्त्री में कमी रह गई, पुरुष में कमी है, गर्भाशय में ये है, ये सब बहाने हैं। रियल क्या है आज मैं वो आपको बताऊंगा। किसी स्त्री के बेटा नहीं होता, इसका बहुत बड़ा कारण है। क्यों? ये कि जिसको बेटा होता है ना, तो आप बताइए कि पुत्र क्यों होता है? कहते हैं माँ बाप का कर्जा उतारने के लिए बेटा आता है। ईश्वर का विधान क्या है भाई? बैंक से बाप ने कर्जा लिया है और बाप मर गया तो बैंक का कर्जा कौन चुकाएगा? बेटा। यह कानून है, हाँ या ना भाई? बाप का कर्जा बेटा चुकाता है, रियल है।
वो चुकाना चाहिए, ये बेटे का फर्ज भी है, कर्तव्य भी है। बाप का कर्जा बेटा, बेटा क्यों आता है? कर्जा चुकाने के लिए। भाई जिसके सिर पे कर्जा था उसका बेटा आया, जिसके सिर पे कर्जा था ही नहीं उसको ईश्वर ने बेटा नहीं दिया कि तेरे झंझट क्यों पाले, तेरा तो कर्जा ही नहीं है। तो जिनके सिर पे कर्जा नहीं है उनके घर बेटा बेटी नहीं होता, मतलब ईश्वर ने उन्हें कर्जे से मुक्त रखा। तुमने किसी का खाया है तो तुम उसे खिला खिला के चुका रहे हो, उसने नहीं खाया वो आनंद से है। एक्चुअली जिसके बेटा नहीं होता, ईश्वर की ये बहुत बड़ी कृपा है, चूंकि संसार में सबको बेटा होता है। मेरी सहेली को मेरे साथ शादी हुई, मेरी सहेली को भी बेटा हो गया, मेरी सखी को भी बेटा हो गया, मेरे साथ मेरे एक साल बाद इसकी शादी हुई इसको भी बेटा, हे भगवान मेरे को बेटा नहीं हुआ। अब उसको ये लगता है कि सबको तो बेटा हो रहे हैं हमें क्यों बेटा नहीं हो रहे, लगता भगवान हमसे नाराज है, लगता हमने कोई पाप किया। तुमने पाप नहीं किया, तुमसे ईश्वर नाराज नहीं है। बात यह है जिनके सिर पे कर्जा था तो बेटा आया, जिनके सिर पे कर्जा नहीं था ईश्वर ने सोचा कि तुम झंझट में ना पड़ो, जिनके बच्चे हैं उनसे जाकर देखो वो ज्यादा परेशान है। तो शायद ईश्वर ने तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डालने से तुम्हें बचा दिया, आनंद से तुम संसार में रहो और यहां से जाने के बाद सीधा भगवान के धाम को चले जाना, तुम्हारी यूं ही मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, ईश्वर तुम्हें झंझट में डालना नहीं चाहते। और रही बेटों की बात, तो बताओ बेटों से ही जय जयकार होती है क्या? गुरु गोविंद देव जी के चार बेटे दो युद्ध में मारे गए, दो बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, हाँ या ना? गुरु गोविंद देव जी के दो बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। गुरु गोविंद देव जी की पत्नी आई, हाथ जोड़ के रोने लगी, सुनो जी हमारे बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, रोने लगी। गुरु गोविंद देव जी ने समझाया, अरे भाग्यवान रोती क्यों है, क्यों ना रोए, बच्चे जिंदा मार डाले दुश्मनों ने, रोने लगी। तब धन्य थे गुरु गोविंद देव जी, गुरु गोविंद साहब ने समझाया, अरे पगली रोती क्यों है, तेरे दो बेटे मरे हैं, देख ये जो लोग बच्चे खड़े हैं ना मैदान में, जितने लोगों पर तेरी दृष्टि जाए समझ लेना ये सब तेरे ही बच्चे हैं, ये सब तेरे ही बच्चे हैं, हम सब तेरे तो हैं। अर्थात तुम्हारा बेटा यदि मैं कह दूं कि ये बच्चा बच्चा है मेरा है तो कह देने में क्या नुकसान है? हाँ, तुम्हारे बेटा तुम जन्म दोगी तो ही माँ बनोगी, क्या ऐसा है ना? मेरी माँ किसी पर भी करुणा की दृष्टि से देख लो, वही तुम्हारा है। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 माताएं रहती हैं, ध्यान से सुनना, उन 200 माताओं ने मुझे जन्म नहीं दिया, उनकी कोख से मैंने जन्म नहीं लिया, लेकिन जिनको उन्होंने अपनी कोख से जन्म दिया था उन्होंने घर से निकाल दिया। और ये दास अनिरुद्ध उन माओं को अपनी माँ की तरह सेवा करता है, आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं उन माओं को, जरूरी नहीं है कि मैं जन्म लूँ माँ की कोख से तो ही सेवा करूँ, या तुम जरूरी नहीं है कि तुम जन्म दो तो ही उसे अपना, वो सारी 200 माताएं मुझे अपना बेटा मानती हैं। जब मैं आया यहाँ आपको वहाँ भटिंडा कथा सुनाने आया, सारी माताएं मुझे देख के रोने लगीं कि तुम कब आओगे कब आओगे। मैं आने लगा तो 200 माताएं रोने लगीं, कब आओगे कब आओगे। मैंने कहा माँ जल्दी आ जाऊंगा कथा सुना के, रोज उनके चरण दबाता हूँ, रोज उनकी सेवा करता हूँ, रोज उनका ध्यान रखता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं गर्व से संबंध रखूं, इंसानियत का प्रेम का संबंध भी बड़ा होता है। जरूरी नहीं है मेरी माँ कि तुम बच्चे को पैदा करो तो ही माँ बनोगी, तुम्हारे अंदर जिस दिन ममता जाग जाएगी उसी दिन तुम माँ बन जाओगी। ममता जाग जाए किसी के भी प्रति, पुत्र की तरह प्यार जाग जाए, वही मान लो ना, मुझे बेटा मान लो, जिसको आपको माँ यशोदा ने कृष्ण को अपना बेटा मान लिया, क्या माँ यशोदा के कृष्ण बेटा जन्म दिए बेटा थे? क्या माँ यशोदा ने जन्म दिया था कृष्ण को? बोलो, नहीं दिया। फिर तो केवल जन्म देने से ही बेटा होता है क्या? हम कहते हैं तुम्हारा बेटा नहीं है तो रो मत और दुनिया के बेटों की चाहत ना रखो, भगवान कृष्ण को ही अपना बेटा मान लो, भगवान है
वो सब कुछ हैं, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडम, त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ हैं वो, सब कुछ हैं वो भगवान। सब मीराबाई ने पति माना, यशोदा ने पुत्र माना, गोपियों ने पति माना, और द्रौपदी ने भगवान को भाई माना। जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान वही है देखने वाला, जिस भाव से देखता है भगवान सामने वही भाव में नजर आते हैं। मीरा ने भी तो पति माना था कृष्ण को। ऐसे वर को क्या वरूं, मीरा का पद है, मीरा गाती है, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बर ये बर गोपाल को मेरो चुनरो अमर कर जाए। मेरी चुनरी अमर कर जाएगा ये कृष्ण, दुनिया का पुरुष मांग भर देगा, और यदि ये मांग भर के मर गया तो इसके नाम की मांग पहुंचनी पड़ेगी, पर कृष्ण ने मांग भर दी तो कभी पहुंचनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तो मर जाऊंगी पर मेरा कृष्ण तो कभी मरेगा ही नहीं, मेरा सुहाग अमर है। इसलिए कृष्ण ही हमारे हैं और वही हम संबंध से चलें। पुत्र के लिए रोने से अच्छा है भगवान के लिए रोया जाए, ठीक है। आत्मदेव जी को पड़ोसी ने ताने मारा, पुत्र नहीं है, घर से निकलकर जंगल में जाने लगे। एक महात्मा जी ने फल दिया, लो पत्नी को खिलाना, पत्नी ने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया, बहन को बच्चा हुआ सो पैसे से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। जब तुम्हारी किस्मत में जो नहीं होता ना, और तुम फिर भी किस्मत के विपरीत जबरदस्ती करोगी ना उंगली, तो फिर तुम्हें कष्ट मिलेगा। एक सज्जन को बेटा नहीं था, उनने अनाथ आश्रम में जाके बेटा गोद ले लिया, और गोद लेके सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, और वो जब प्रॉपर्टी नाम हुई तो बच्चे ने माँ बाप को घर से निकाल दिया, निकलो घर से बाहर, निकाल दिया। अब बूढ़े आदमी रोने रोने लगे, हमें मिल गए, हमने कहा क्यों रो रहे हो, बोले महाराज जी घर में कोई कमी नहीं थी, धन दौलत बहुत था, पर हमने गलती कर दी। क्या गलती कर दी, वो बच्चे ने सब ले लिया। बच्चा तुम्हारा तो बच्चा था नहीं, अरे महाराज जी गोद ले लिया था, बच्चा नहीं था तो अच्छा, अब जानबूझकर मुसीबत ली है, जानबूझकर कुआ में गिरे हो तो भोगना तो पड़ेगा। ईश्वर की मर्जी में खुश क्यों नहीं रहते, जबरदस्ती कुछ लोग होशियार बनते हैं, उंगली करते हैं, और अपनी होशियारी के चक्कर में मारे जाते, परेशान होते। जो धन तुमने बेटे के नाम कर दिया, वही अपने हाथ से दान पुण्य कर देते तो लोक परलोक दोनों बनता। बच्चों को करोड़ देके जाओ, एक रत्ती का पुण्य मिलने वाला नहीं, पर किसी भूखे को एक रोटी ही देके जाओगे, बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। ईश्वर के विधान को चैलेंज ना कीजिए, ईश्वर ने जो विधान कर दिया है उसे एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। ईश्वर ने जो खुशी दी है उसे रखिए, और जो नहीं दी उसके लिए परेशान हो। यदि तुमने पावी लिए तो तुम्हें सूट करेगी ही नहीं, करनी ही होती तो परमात्मा दे ही देता, क्यों जी, सही है, फिर क्यों। इसलिए ईश्वर के विधान में प्रसन्न रहो, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम। अब देखिए आत्मदेव जी के भाग्य में बेटा नहीं था, इन्होंने जबरदस्ती बेटे के लिए रो रहे हैं, तो संत जी ने फल दिया था कि खाएगा, चल बेटा होगा, पर फल गैया को खिला दिया तो गाय के बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण, और बहन का बेटा धुंधली ने पैसों से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। अब मिल तो गया बेटा, लेकिन वो ऐसा बेटा मिला कि दिन रात मारता है लाठियों से, आत्मदेव जी की इतनी पिटाई करता, रीढ़ की हड्डी कमजोर कर दी उसने, सारा पैसा छीन लिया, लाओ पैसे लाओ, सारा पैसा ले लिया, और भरे गांव में सबके बीच में लात मारता है, लाठी मारता है, अपमान करता है, गालियां देता है। आत्मदेव जी रोने लगे, विधाता बेटा नहीं था तो ही सुखी था मैं, बेटा मिला तो ये खून के असुर लाता है। भगवान ने कहा मर्जी तो कर रहे थे अपनी, मैं तो नहीं ही दे रहा था, तुम ही पीछे पड़े थे, अब लो जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो यदि तुम्हें मिल भी गया, तुमने भाग्य के अपोजिट काम कर लिया, ले लिया, सूट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, धुंधकारी मिल गया था पुत्र रूप में, सूट बिल्कुल नहीं किया, मारता है, इतना मारा पीठ लाल कर दी, गांव में गांव के बीच में अपने बाप को मारता है। आत्मदेव जी रोते हैं, विधाता पहले बेटे के लिए रोना पड़ा, अब इसलिए रोना पड़ रहा है कि ऐसा बेटा क्यों मिला।
रो रहे हैं। तब गौकर्ण जी आए गाय के पुत्र और उन्होंने समझाया, देहेष्ठिमान सिरुधरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानि सं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। ये शरीर हमारा क्या है? देहेस्थि मांस रुधिरे, मांस का एक समूह। हमारे शरीर में क्या है? खून है, हड्डियां है, मांस है। क्या है इसके सिवा? मल मूत्र भरा पड़ा है। क्या है इसके सिवा? हमारे शरीर के एक भी अंग से सुगंध निकलती हो सो बताओ, क्या मैया जी निकलती है? आप लोग दिन भर इत्र डालते हैं, फिर खत्म हो जाता, फिर डालते हैं, फिर खत्म हो जा, फिर डालो। शरीर से तो दुर्गंध निकल रही है, अब कोई दुर्गंध के रास्ते में सुगंधी डाल भी दे, कितनी देर चलेगी? निकलना तो दुर्गंधी है। ये शरीर हमारा मलमूत्र का एकमात्र घड़ा है। हड्डियां, खून, अस्थियां, चर्म इत्यादि से बना ये निर्मित शरीर है। इसमें आसक्ति रखना ठीक नहीं, इससे प्यार करना ठीक नहीं। कोई कहे कि मैं शरीर से प्यार करता हूं, तो शरीर से प्यार करने वाले लोग क्या समझदार माने जाएंगे? तुम्हारा शरीर क्या दुर्गंध का एक घड़ा कह दो? शरीर के हर अंग से दुर्गंध। शरीर में कितने दरवाजे हैं बताओ? शरीर में कितने दरवाजे हैं? नव द्वारे पूरे देही, नौ। शरीर में नौ छेद हैं, नौ दरवाजे हैं। दो दरवाजे आपके सामने हैं, ये आँख। सवेरे सोकर उठते हो तो आँख से सुगंध निकलती है, दुर्गंध निकलती है। दो दरवाजे कान, यहाँ से सुगंध निकलती है, दुर्गंध। दो दरवाजे नाक, यहाँ से सुगंध निकलती है। आ रही है सर्दी महारानी, देखना क्या निकलता नाक से। फिर दो दो चार दो छः, एक ये मुख, ये छेद हैं, कितने दरवाजे हो गए? सात। एक मूत्र द्वार, एक मल द्वार, टोटल नौ। यह नौ दरवाजे हैं हम सबके शरीर में। इस नौ दरवाजे के शरीर से कोई प्रेम करे, जिसमें केवल मल ही भरा है, मूत्र ही भरा है, इससे कोई मोहब्बत करे तो पागलपन नहीं तो क्या है? प्यार करना है तो जैसे सुदामा ने भगवान से प्यार किया था, भगवान से प्यार करो। उनका शरीर दिव्य शरीर है, उनसे प्यार करो। क्या संसार, संसार के लोगों से व्यवहार करो, प्यार नहीं। ये शरीर किराए का है। आप कहते हैं ये मेरी पत्नी है, धुंधकारी के पिता आत्मदेव जी कहते हैं मेरी पत्नी ने, मेरे पुत्र ने धोखा दिया, मारा। अरे कोई पत्नी और कोई पुत्र नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी पुत्र है? आप कहते हैं ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा है। आपका दिल में हाथ रख के बताओ, आपकी पत्नी आपकी है? आपका पति आपका है? आपका बेटा आपका है? चलो बेटा पति पत्नी को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ये बताओ ये जो शरीर है आपका, क्या यही आपका है? यदि ये शरीर आपका है या आपका था, तो फिर ये बताओ आपका शरीर बूढ़ा हो गया, आपने रोका क्यों नहीं? यदि ये शरीर पर आपका अधिकार था, तो हाथ कमजोर पड़ गए, कमर कमजोर पड़ गई, पीठ कमजोर पड़ गई, रोका क्यों नहीं? यदि ये शरीर पर आपका अधिकार था, तो आप बुढ़े हो गए, मौत की घड़ी आ गई, रोका क्यों नहीं? इसका अर्थ यह है कि शरीर पर भी हमारा वश नहीं चलता, शरीर भी हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। जब हम अपने शरीर पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते, तो पत्नी पर कोई अधिकार जमाए तो यह मूर्खता है कि नहीं? तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, छोड़कर जाना है ये शरीर। जब आदमी मरता है, लोग कहते हैं मिट्टी जा रही है। जब आदमी मरता है तो क्या बोलते हैं? मिट्टी जा रही है। ये शरीर क्या है मेरी माँ? बोलो, मिट्टी है। प्राण निकलने के बाद इसे जमाना कहेगा मिट्टी जा रही है।
ये मिट्टी है और तुम कहते रहे ये मेरा है। अरे पागल, ये शरीर तो तुम्हारा हो ना सका, तो ये जमाना तुम्हारा हो जाएगा। पूरी जिंदगी आदमी अज्ञानता में जीता है और मानता है ये मेरे, कुछ तुम्हारा नहीं है।